खंडवा उपचुनाव में कांग्रेस के दावेदार अरुण यादव के कांग्रेस बैठक में न पहुंचने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि अरुण यादव ने अपनी भूमि चुनाव आयोग को 60 एकड़ बताई थी, लेकिन सज्जन वर्मा के जरिए कांग्रेस ने इसका खुलासा कर दिया कि उनके पास 1000 एकड़ जमीन है। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को ओबीसी वर्ग की नहीं हैदराबाद के ओवैसी की चिंता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कांग्रेस नेता अरुण यादव के पास 1000 एकड़ जमीन होने को लेकर कहा कि अरुण यादव ने अपनी भूमि चुनाव आयोग को 60 एकड़ बताई थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ही उनकी जमीन को 1000 एकड़ होना बताया है। असली भू माफिया किस पार्टी में शामिल है यह साफ हो गया है। उन्होंने कहा अरुण यादव ओबीसी वर्ग के हैं, इसीलिए बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया। कांग्रेस को ओबीसी की चिंता नहीं, हैदराबाद के ओवैसी की चिंता है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले में कांग्रेस की ट्वीट पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए काम किया है, कांग्रेस ने सिर्फ धोखा दिया है। दोषपूर्ण आरक्षण का ड्राफ्ट कांग्रेस ने बनाया था, इसीलिए कांग्रेस शासनकाल में मामले पर स्टे मिला था। दरअसल कमलनाथ जी ने हमारे मित्र सज्जन वर्मा जी के कंधे का इस्तेमाल किया है और जिस व्यक्ति ने चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया उसमें अपनी भूमि 60 एकड़ बताई है, उसे कमलनाथ जी ने सज्जन वर्मा जी के द्वारा 1000 एकड़ बता दी। 2000 बीघा मतलब 2500 बीघा। अब आप कल्पना करो कि कमलनाथ जी ने खुद ने सज्जन वर्मा जी ने साबित किया कि भू माफिया किस पार्टी में है। सहकारिता आंदोलन के प्रणेता इसके पिताजी रहे, बैठक में नहीं बुलाया। इससे भी आप दूसरी बात का अंदाजा करो कि ये ओबीसियों के प्रति इनका सोच क्या है। पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को अरुण यादव जी को बैठक में ना बुलाना, पहले प्रदेश अध्यक्ष से हटवा दिया, खुद आके बैठ गए, फिर 15 महीने तक उनको वनवास में भेज दिया। अब जब खंडवा की बारी आई तो मुझसे टिकट ही नहीं माना, बैठक में नहीं बुलाया। कमलनाथ जी को अब मध्य प्रदेश में किसी ओबीसी की जरूरत नहीं है, उसको हैदराबाद वाले ओबीसी की जरूरत है। सारी की सारी इतना दोषपूर्ण इन्होंने वो बनाया, इतना हम तो मध्य प्रदेश के अंदर आप देखो तीनों मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े वर्ग से हैं, माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। इसके पहले आप चले जाओगे तो जैन माननीय पटवा जी अल्पसंख्यक वर्ग से थे। ये सोचें कि एक भी नहीं बनाया, और जब बात करी आरक्षण की तो जुमलेबाजी करी, उसको इस तरह का बना दिया पूरे के पूरे प्रारूप को कि खामियां ही खामियां थी और इन्हीं के समय में स्टे मिल गया, इन्हीं की सरकार के रहते स्टे मिल गया। कोरोना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कल बढ़े कोरोना के मामले नियंत्रण में आ गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले आए हैं, 16 ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण ना बढ़े इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। मछली पालन के नाम पर किसानों से 1000 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में उन्होंने कहा कि चिटफंड हो या कोई भी फर्जी कंपनी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर गिरफ्तार करेंगे। विधायक और सांसद के फर्जी हस्ताक्षर कर सीएम हाउस तबादलों के लिए सिफारिश पत्र मामले पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है, सबकी गिरफ्तारी होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये कमलनाथ जी की जुमलेबाजी है। देखो एक जुमला दिया था उनने 28 सीटों का जब चुनाव हो रहा था और निर्दलियों से संपर्क साधने लगे थे, बोले 28 की 28 जीतेंगे, परिणाम आपके सामने। उसके पहले दिया था कि 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे, उसके पहले दिया था कि अगली विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी। ये उनके जुमले हैं, अब मध्य प्रदेश की जनता समझती है। पीछे चले जाओगे आप कर्जा माफी बेरोजगारी भत्ते तक तो आपको लगेंगे, एक भी तो पूरा नहीं हुआ, एक भी सही नहीं निकला। ये अगर चाहते, अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सीधा सीधा कर दिया, आप कह क्यों रहे हो, किया क्यों नहीं 15 महीने, और ये नहीं किया तो क्या किया 15 महीने भ्रष्टाचार के अलावा, बताओ। चिटफंड कंपनी हो,
या दूसरी कंपनियां जो गरीब का पैसा जमा कर लेती हैं वो हों, कोई भी हो, मध्य प्रदेश में हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। गरीब के साथ लूट बर्दाश्त नहीं होगी। कि कितने भी बड़े धन्ना सेठ हो, आगाह कर रहा हूँ मैं उन्हें, गिरफ्तारी को तैयार रहें। ये कुछ इस तरह के समाज के अंदर अनवांछित लोग होते हैं जो इस तरह के प्रयास करते हैं, पर लगातार सब पकड़ में आएंगे, कोई नहीं बचेगा और सब पे कार्रवाई होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।